औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस बलोच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक स्टेबलाइज़र का सर्किट दिखाएंगे, चार रिले का ये सर्किट है और ये कैसे काम करता है, इसमें क्या खूबी है और ये सर्किट जो है ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है और सर्किट किस तरह से हमने लगाना है, किस तरह से ये काम करेगा, ये सारी कुछ तफसीलात बताने की मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये आईसी सर्किट है, इसमें चार छोटे रिले लगे हुए हैं और इसमें चार एडजस्ट हैं और हर रिले के साथ एक LED भी लगा हुआ है ताकि पता चले कि रिले जो है वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑन पोजिशन पर है या ऑफ पोजिशन पर है। तो ये सारा कुछ इससे मालूम होगा, बड़ा बेहतरीन सर्किट है। पहले भी मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि दोस्तों का इसरार था कि आप दोबारा से वीडियो बनाएं, आजकल गर्मियों का मौसम है और स्टेबलाइज़र का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो और भी बना लेते हैं। ये देखें जी, मुख्तसर सा सर्किट है और ये मार्केट में आम मिल जाता है, लाहौर में हाल रोड पर भी मिल जाता है और लाहौर से माल चूँकि आल पाकिस्तान जाता है तो ये सर्किट आल पाकिस्तान में दस्तियाब है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्किट किस तरह से काम करता है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये दो जो कनेक्शन हैं यहाँ पर हमने AC वोल्टेज देने हैं 12 से 14 वोल्ट तक, ठीक है। और फिर ये AC वोल्टेज, ये ब्रिज लगा हुआ है, चार डायोड हैं और इसमें ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पर जो है आपको DC वोल्टेज मिल जाते हैं। उसके बाद DC वोल्ट जो है वो IC के ज़रिए फिर यहाँ पर एक एक ट्रांसिस्टर लगा हुआ है और हर ट्रांसिस्टर इसके रिले का ड्राइवर है, तो ये रिले जब हम इनको वेरिएबल को घुमाएंगे तो फिर रिले जो है वो कंट्रोल होगा। मैं एक इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर इसको वोल्टेज दे देता हूँ और यहाँ पर इसकी एडजस्ट जो है वो मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ कि ये रिले किस तरह से काम करते हैं। तो मैं कनेक्शन करके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी दोस्तों, इसको मैंने सप्लाई दे दी है यहाँ पर, ठीक है जी, और अब हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। जी दोस्तों, मैंने इसको सप्लाई दे दी है और अब ये देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो इसके लिए ये मैंने यहाँ पर, अच्छा आपको ये बता दूँ, यहाँ पर मैंने AC के बजाय DC वोल्टेज दिए हैं। तो यहाँ पर ब्रिज लगा होता है, यहाँ पर हम DC भी दे सकते हैं, AC भी दे सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने ये DC वोल्टेज दिए हैं, वैसे आपने यहाँ पर AC वोल्टेज ही देने हैं 12 से 14 वोल्ट तक। तो ये चेक करने के लिए मैंने DC वोल्टेज दे दिए हैं, उसके बाद मैं एडजस्ट करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें जी, ये पहला रिले ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं जी, ये दूसरा भी ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये तीसरा, ये देखें जी, ये चौथा। तो LED के साथ ये फ़ायदा है कि हमें रिले के ऑन ऑफ होने का पता चल जाता है कि ये ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ज़बरदस्त फंक्शन है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से हमने लगाना है, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पर देख लें जी, ये रिले है, ठीक है, इसका ये सेंटर कॉमन है और ये ऑन है, ये इसका ऑफ है। इस रिले का ये सेंटर कॉमन है, ये ऑन है, ये ऑफ है। इसी तरह इन दो रिले का भी सेंटर कॉमन है, इधर ऑन है, इसका इधर ऑन है, इस तरह से। तो अब देखें जी, इसका कॉमन जो है ये इसके ऑफ पर जा रहा है, इसका कॉमन जो है ये इस रिले के ऑफ पर जा रहा है और इसका जो कॉमन है वो इस रिले के ऑफ पर जा रहा है। इसकी वजह ये है कि इस सर्किट में तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप इसको लगाते हैं तो पहले सारे रिले ऑन हो जाते हैं और फिर जो जो रिले फंक्शन करता है वो ऑफ़ होता जाता है, यानी ऑफ़ होने पर ये काम करेगा, ठीक है।
और कोई सर्किट ऐसे होते हैं कि ऑन होने पर रिले काम करते हैं, आईसी सर्किट में ऐसा होता है कि रिले ऑफ होने पर काम करेंगे। जी मैं अभी आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये ट्रांसफार्मर की नेगेटिव है या ज़ीरो कह दें, ज़ीरो है, और इसको यूं समझें कि 220 वोल्ट है, ये रिमाइंडिंग 220 वोल्ट की हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देंगे 220 वोल्ट का इन, ये हम यहाँ पर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव यहाँ पर आ गया, इन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये इस रिले की ऑन पोजीशन है, 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 ठीक है जी। और ये दूसरी जो है ये ऑफ पोजीशन हो गई। 220 वोल्ट का ये यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का जो 220 की रिवाइंडिंग है वो भी यहाँ पर कनेक्शन मिला देंगे। अच्छा, इसकी मज़ीद ट्रांसफार्मर की हमारी रिवाइंडिंग होगी फ़र्ज़ करो 250 वोल्ट की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और इसका जो ऑफ है, पहले रिले का ऑफ जो है ये दूसरे रिले के कॉमन से मिल जाएगा, पहले रिले का ऑफ दूसरे रिले के कॉमन से मिल जाएगा, इसको मैं ऑफ लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब इधर फिर एक स्टेप की रिमाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो गई फ़र्ज़ करो 290 वोल्ट की, ठीक है। तो ये हम इधर मिला देंगे इसके आन से, और इसका जो ऑफ है ऑफ, ये हम इस रिले के कॉमन से मिला देंगे। फिर ट्रांसफार्मर का एक और स्टेप है जी, ये फ़र्ज़ करो है हमारे पास 340 का, ठीक है। इसको हम इसके साथ मिला देंगे आन के साथ, और इस रिले का ऑफ जो है ये जाएगा इस रिले के कॉमन पर, ठीक है। और इधर एक और हमारी रिवाइंडिंग है, फ़र्ज़ करो ये हमारी है 400 वोल्ट की, तो इसको हम इधर ऑफ पोजीशन पर मिला लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत आसान सर्किट है। और ये आपको मैं बता दूं कि आउट आपने यहाँ से लेनी है, आउट यहाँ से लेनी है, इन यहाँ पर देनी है। और इन देखें जी, इधर रिले पर भी दे रहे हैं और इधर 220 पर भी दे रहे हैं, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन होगा, नेगेटिव ये कॉमन होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आज तक की ये वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी है, और मैं इंशाल्लाह जल्द ही एक और वीडियो भी बनाकर आपकी खिदमत पेश करूँगा। और फिर वही बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक भी हमारी वीडियो पहुंचती रहें और हमारी हौसला अफज़ाई भी होती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।